हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं नहा ली हूँ और ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी मैं वीडियो बनाने ही बाहर निकली हूँ। अभी तक अंधेरा है, 7:15 हो चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। कोशिश करूँगी जितना भी आपके साथ व्लॉग बना सकूँ या आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकूँ उतना शेयर करूँगी। और मुझे ठंड भी लग रही है, बाहर खड़े नहीं हो सकती हूँ मैं ज़्यादा। वो जैसे ही नहा के बाहर निकलेगी तो उसके बाद हम जाएंगे स्कूल। और दिव्यांका के जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत जल्दी उसको उठना पड़ता है। मेरे साथ ही 4 बजे उठ जाती है पढ़ाई करने के लिए। और मेरा ब्रेकफास्ट मैं वहीं पर करूँगी। मैं और तनु आज एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं मिलती हूँ आपको सीधा सेंटर में। हट यार हट। कैसे दोबारा करियो। हेलो कर दो सबको। हेलो। तो जी, तन्नू और मैं यहाँ पर पहुँच चुके थे लेकिन आरती तो नहीं आई है। अब हम चाबी लेकर मैम को देने जा रहे हैं क्योंकि अब आज के बाद सेंटर बंद हो जाएगा। ये खिड़कियाँ वगैरह हमने लॉक कर दी हैं, एक रह गई वो बंद करनी है। प्रेस वगैरह भी रख दी है और ये सारी मशीनें हमने अच्छे से ढक दी हैं, मतलब तन्नू ने ढक दी है। मैं तो बैठ के अपनी बुनाई कर रही थी। और अभी चलते हैं हम मैम के पास, मैम के घर में चाबी देने। वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी। देखो आरती भी आ गई थी, थोड़ा लेट आई है ये। ना ना ये बुने बुने पापा ये बुद्धा बता होना बारा की खरा। हेलो तो कर दो। हेलो, हाय गाइस। तनु बिजी है फोन में। अब मैं ये कोट लेने में बिजी हूँ मगर मुझे सही तो लग रहा है, मन को भान रहा है। हाँ, लुक नहीं अच्छी इसकी, कुछ और देखो। तो यहाँ पर हो रही है हमारी शॉपिंग जो कि हम जल्दी से करेंगे और निकलेंगे बच्चों को लेने के लिए, उनकी छुट्टी भी होने वाली है। ठीक है पापा जी। ये सही लगेगा लड़की के लिए है, ये दिखाओ। हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है। ससुरा माता जी, तब कोई और देखो। टाइट है अब अंदर, इतना मोटा पहना हो, इकट्ठा हो गया ना इधर ऐसे। हाँ स्वेटर भी तो है, ये लगा भी ठीक लग रहा है। देखो ना।